मेष, परिवार और कार्य के क्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार, संघर्ष टालेंगे। वाणी पर नियंत्रण नहीं होने से किसी के साथ वाद विवाद या झगड़ा कर बैठने की संभावना है। वृषभ, गणेश जी कहते हैं कि विचारों की दृढ़ता के साथ आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे, व्यवस्थित रूप से आर्थिक विषयों का आयोजन कर सकेंगे, अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकेंगे। मिथुन, गणेश जी कहते हैं कि आपकी वाणी या व्यवहार आज किसी के साथ गलत फहमी पैदा कर सकती है, कुटुंबीजनों तथा सगे संबंधियों के साथ खूब संभल कर रहना पड़ेगा। कर्क, आर्थिक आयोजनों और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए उत्तम दिन है। लाभ, नौकरी में पदोन्नति और आय स्रोतों में वृद्धि होने से आप खूब आनंद और संतोष की भावना अनुभव करेंगे। सिंह, नौकरी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभदायक और सफल दिन है। आपके कार्य क्षेत्र में आप वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलता पूर्वक पूरा होगा। कन्या, गणेश जी कहते हैं कि आपका आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यतीत होगा। स्थान की मुलाकात लेने से संयोग खड़े होंगे, विदेश गमन के लिए अवसर निर्मित होंगे। तुला, आकस्मिक धन लाभ का दिन है। आध्यात्मिक प्रवृत्तियां तथा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उत्तम दिन है, फिर भी नए कार्य शुरू न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। वृश्चिक, गणेश जी कहते हैं कि दैनिक घटना चक्र की प्रवृत्तियों में आज परिवर्तन आएगा। आज आप मौज मस्ती और मनोरंजन की दुनिया में घूमने के मूड में होंगे। धनु, नौकरियात वर्ग के लिए लाभ का दिन है। आर्थिक लाभ की संभावना है। घर में आनंद का वातावरण रहेगा। नौकर और सहकर्मी गण आपको सहायक बनेंगे। मकर, गणेश जी कहते हैं कि कला तथा साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति आज अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान दे सकेंगे, अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का परिचय करा सकेंगे। कुंभ, स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। आर्थिक विषयों का आयोजन होगा। माता की तरफ से अधिक प्रेम और भावनाओं का अनुभव होगा। मीन, गणेश जी बताते हैं कि कार्य में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज उत्तम दिन है। आपके विचारों में आज स्थिरता रहेगी, जिससे कोई भी कार्य अच्छी तरह से हल कर सकेंगे।